यीशु ने फिर फरीसियों से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। नहीं, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। तेरा बाप कहाँ है? ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। ये कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, मतलब क्या ये अपने आप को मार डालेगा? तुम इस दुनिया से ताल्लुक रखते हो और मैं आसमान से हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं, इसलिए मैंने तुमसे यह कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। तू है कौन? मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप के निस्बत कहता है। जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं, और जिसने भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बेहतरे उस पर ईमान लाए।